सुहागा गाइस, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि बता भैया, हम अक्सर ट्रैवल करते हैं और पीछे मैंने ट्रैवल कर रहा था नेपाल का, बहुत ज़्यादा प्यार दिया और अभी तक आपका प्यार मुझे मिल रहा है। तो आज इस वीडियो का आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, हम टाइटल में बात करने वाले हैं भैया कि अगर आप नेपाल प्लान करने वाले हैं तो नेपाल आपके लिए कितना एक्सपेंसिव रहेगा एज कम्पेयर इंडिया, और अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो आप किस तरह से नेपाल पहुँच सकते हैं, क्योंकि नेपाल हमारे इंडिया का नेबर यानी पड़ोसी देश है, बहुत सारे बॉर्डर लगते हैं। अगर बॉर्डर तक जाना हो, कहाँ कहाँ से जा सकते हो, कौन सा रास्ता इजी रहेगा, ये सारी बातें इस ब्लॉग में करने वाला हूँ। तो भैया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम जतिन है और मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ, और बहुत जल्द हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल भी है और बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो भैया, अगर घूमना फिरना पसंद है तो फटाफट जाना चैनल पर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि मजेदार वीडियोज आने वाली है। मैं हूं दिल्ली से, और अगर आप प्लान कर रहे हो नेपाल का तो नेपाल कैसे जा सकते हो? सबसे पहले देखो, बॉर्डर अलग अलग एरिया है। हम जनरली जो हमारे इंडियन लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, या तो वाया फ्लाइट से सीधा आप काठमांडू उतर सकते हो, काठमांडू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दूसरा जो एरिया पड़ता है, ज्यादातर लोग हमारा नेबर कंट्री है तो भैया लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, क्योंकि नेपाल एक ऐसी जगह है जहां पे आपको किसी तरह के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। भैया इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन है। अगर आप बॉर्डर के थ्रू जाना चाहते हो तो देखो, मैं गया था रेक्सॉल के थ्रू, आप गोरखपुर और उत्तराखंड से भी जा सकते हो, पर ये जो जगह है ये ना एक जो मेन उसकी जो कैपिटल है जैसे काठमांडू और पोखरा, वहां से बहुत दूर पड़ता है। तो मैंने जो रूट प्लान बनाया था, बिहार से एंटर करते हुए काठमांडू घूमते हुए पोखरा से नीचे बॉर्डर उतरते हुए इंडिया में गोरखपुर से वापसी आ गया था। तो ये मेरा प्लान था। अगर आप प्लान करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप काठमांडू और पोखरा इन चीजों को कंबाइन भी कर सकते हो। ज्यादा दूरी नहीं है, पर ट्रांसपोर्टेशन को लेके और सड़कों को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा तो जाके चेक करो भैया, बहुत ही बुरे हाल है। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग भी मुझे बोल रहे थे यार झूठ बोल रहा है, पर हकीकत में मुझे वहां पे 180 किलोमीटर करने में 19 घंटे लग गए, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ भड़का, बहुत ज्यादा जाम, वहां पे सड़कों का हाल बहुत बुरा है। सिटीज के अंदर अच्छा है, जैसे काठमांडू के अंदर आप घूमोगे या पोखरा के अंदर घूमोगे या और उसकी जो मेन सिटीज है वहां घूमोगे तो काफी अच्छा लगेगा। रेक्सॉल पहुंचने के लिए अराउंड 1050 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली से, आप रेक्सॉल कहीं से भी पहुंच सकते हो। रेक्सॉल पहुंचने का वहां से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है आपका बॉर्डर एरिया जो कि है नेपाल का। नेपाल के अंदर आप एंटर करते हो, आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, इवन आपसे आईडी तक नहीं चेक करेंगे, मेरा तो नहीं करा था, आपका कर भी लें तो आपका आधार या वोटर आईडी कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप जैसे एंटर करोगे बॉर्डर के अंदर तो आप पहुंच जाओगे वहां से ऑटो लेके, ऑटो लेता है 20 से 30 रुपए जो आपको पहुंचा देगा बीरगंज, जहां से आपका बसेस चलती हैं, छोटी गाड़ियां चलती हैं जो आपको काठमांडू तक लेके जाएंगी। वहां से काठमांडू का जो एरिया है लगभग 150 किलोमीटर है। वहां से जो आपको प्राइसिंग की बात की जाए, देखो दिल्ली से आप कैसे भी पहुंचो वो आपकी हेडक है, वहां नेपाल एंटर करने का आपको जो काठमांडू तक बस लेके जाने वाली है वो दो तरह की बस चलती है, एक एसी और एक नॉन एसी और एक छोटी गाड़ी। तो मैंने वहां पे एसी गाड़ी के दिए थे 1200 रुपए नेपाली। अब नेपाली करेंसी की भी बात कर लेते हैं, नेपाली करेंसी की जो कॉस्ट है हमारे इंडियन के 1 रुपया वहां का 1 रुपए 60 पैसे हो जाते हैं, यानी मैंने नेपाली 1200 रुपए दिए थे एसी के, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग होते हैं 750 रुपए। और अगर आप नॉन एसी में जाना चाहो तो उसकी कॉस्ट अराउंड है लगभग 900 रुपए के आसपास, जो कि आपको काठमांडू तक पहुंचाएगी। वैसे देखा जाए तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा सा महंगी है लॉन्ग रूट पे। तो आप जब ऊपर काठमांडू पहुंच जाते हो तो काठमांडू में आपके पास बहुत सारी जगह है रुकने की नियर बाय, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप रुकना मेन थमेल मार्केट के आसपास, क्योंकि मेन थमेल जो एरिया है वो मार्केट है, थोड़ा बदनाम भी है पर वही एक पॉश एरिया है, वही एक मार्केट है, वही सारे अट्रैक्शन पॉइंट भी सब कुछ वहीं पे है। तो वहां जब रुकोगे तो भैया बात की जाए होटल की, तो होटल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। रहने के लिए नेपाल बहुत ज्यादा सस्ता है, क्यों? क्योंकि अगर आप एसी रूम लेते हो, वैसे एसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली अगर आप अच्छे मौसम में जाने वाले हो, पर अगर आप एसी रूम भी लेते हो तो इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको 500 से 600 रुपए का एक अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। और भैया कीमत ही नहीं है रूम्स की, आप चाहे 5 स्टार ले लो उसकी तो भैया क्या ही कहें। और अगर आप हमारी तरह हॉस्टल में स्टे करना चाहते हो, क्योंकि मैंने वहां पे हॉस्टल में स्टे करा था, तो हॉस्टल के मैंने कॉस्ट पे करी थी ओनली 200 रुपए पर बेड, काफी रीजनेबल था। और सबसे बड़ी बात, वहां पे कह रहे थे कि भैया लोकल नेपाली को वहां पे स्टे करना अलाउ नहीं है। अब ये मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है, पर काफी अच्छा हॉस्टल था, क्योंकि वहां पे ज्यादातर फॉरनर्स ही रुकते थे और हम भी फॉरनर ही थे एक तरह से नेपाल जाके, काफी अच्छा रहा। और खाने पीने की बात की जाए तो खाना पीना काफी रीजनेबल है, महंगे रेस्टोरेंट में जाओगे भैया अच्छा खासा खर्च तो हो ही जाएगा, पर अगर आप नॉर्मल छोटे मोटे रेस्टोरेंट में खाओगे तो आपका रोज का एक टाइम का रूटीन खाना मेरे ख्याल से 100, 125, 150 रुपए में निपट जाएगा, मेरे हिसाब से रीजनेबल है। जिसके अंदर आप चाहो तो वहां पे पूरी छोले, छोले भटूरे, आमलेट ब्रेड, और आमलेट ब्रेड तो शायद और सस्ता पड़ जाए, और जो छोटी मोटी आइटम होती है आराम से 100 से 150 रुपए एक टाइम का आपकी मील कॉस्ट पड़ेगी।
ट्रांसपोर्टेशन की बात किया है दोस्तों, देखो ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आपको वहां पे साइट सीन करने, क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्क्वेयर्स हैं, बहुत सारी मार्केट है, बहुत सारी जगह है काठमांडू घूमने के लिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वहां के लोग बहुत हंसमुख है, बड़े हंस के बात करते हैं और कैमरा फ्रेंडली है, यानी अगर मैं बात करूं लोगों से, बात कर रहा था, लोग मेरे से घबरा नहीं रहे थे, मेरे से दूर नहीं भाग रहे थे, मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर हर चीज शेयर कर रहे थे। तो वहां पे सिम मिल जाएगी आपको मात्र 100 रुपए नेपाली में, और 100 रुपए का रिचार्ज होगा जिसमें आपको 5 GB डाटा मिल जाएगा, मैंने तो वही करा था, वो आप करा लेना, बहुत रीजनेबल, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 125 रुपए की सिम मिल जाएगी। और उसके बाद 2 ऐप है, एक है पटाओ ऐप और दूसरी इन ड्राइव, यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हो, सोलो हो, इवन टैक्सी तक कर सकते हो, वरना बार्गेनिंग कर ही लेना, तो आप इजिली नेपाल काठमांडू को एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे व्लॉग चेक करें, आपको ज्यादा डिटेल में जाना है। उसके बाद आप काठमांडू में देखो जगहों की बात की तो बहुत सारी जगह है घूमने की, मैं एक एक जगह तो आपको बताने रखा है। यहाँ पर बहुत फेमस हमारे भोले शंकर जी का जो मंदिर है पशुपतिनाथ, वो मैंने जरूर देखा था और उसको मेरे ब्लॉग को आप चेक कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे स्तूपा बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे एक मंकी की हिल है जहाँ पे बहुत ही हाइट पे, वहाँ से क्या खूबसूरत काठमांडू का व्यू नजर आता है यार, मजा आ गया था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, और आप मेरे ब्लॉग्स में चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने वहां से डिसाइड करा कि मैं निकल के जाऊंगा पोखरा की तरफ। पोखरा वहां से है अराउंड 240 किलोमीटर पर, सच बताऊं तो भैया इतना टफ रास्ता है, मैं परेशान हो गया था। आप चाहो तो काठमांडू से पोखरा तक टैक्सी लेके भी जा सकते हो, पर मैंने वहां से डिसाइड करा, मैं सोलो था तो मैंने डिसाइड करा भैया लोकल बस में जाना चाहिए, लोकल बस को एक्सप्लोर करना चाहिए। पर जब मैं डिसाइड कर रहा था, मुझे पता चला बाद में एक बीच में एक बहुत ही खूबसूरत जगह पड़ती है बंदीपुर, क्या ही खूबसूरत जगह यार, सच बताऊं तो उसने मुझे यूरोप की फील दिला दी, और मैं यूरोप नहीं गया पर उसको देख के मुझे जरूर लगा मैं यूरोप पहुंच गया हूं। 750 रुपए नेपाली नॉन एसी की टिकट है अगर आप पोखरा तक जाते हो, पर मैंने इन बिटवीन बीच में उतर गया था और वहां से लगभग 80 किलोमीटर पहले पड़ता था बंदीपुर, जो कि मुझे 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना था। वो सारी डिटेल लिया मेरे ब्लॉग चेक कर लेना, और बंदीपुर बहुत ही बेहतरीन जगह है यार, सच बता रहा हूं। फिर पहुंचा पोखरा, सच बताऊं तो वो 240 किलोमीटर का जो सफर था भाई साहब, बहुत ही ज्यादा टफ था, मैंने 2 पार्ट में करा, एक टाइम पे 160 किलोमीटर और एक टाइम पे 80 किलोमीटर, पर ये 160 किलोमीटर करने में मुझे लगभग 7 से 8 घंटे लग गए, और आगे के 80 किलोमीटर करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग गए। तो यानी समझ लो कि वहां की सड़कें कितनी खराब है बाहर साइड की, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, नई सड़कें बन रही है, तो भैया आपके साथ परेशानी हो सकती है, चाहे आप अपनी गाड़ी में जाओ या कैसे भी जाओ, वहां पे थोड़ा सा काम चल रहा है। उसके बाद मैं पहुंचा पोखरा, तो पोखरा भी यार नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही मजेदार जगह है, क्योंकि एज कम्पेयर नेपाल से बात करूं तो नेपाल एक बिल्डिंगे हैं बहुत गिच्चर बिच्चे, मतलब कंजेस्टेड एरिया है, यानी वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे खड़ी हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, पर है मजेदार जगह। जब मैं पोखरा पहुंचा तो पोखरा जस्ट अपोजिट था, क्योंकि पोखरा एक रिजॉर्ट टाइप का एरिया था, खुला आसमान, बहुत बड़ी झील, हरे हरे पहाड़, मतलब चारों तरफ पहाड़ नजर आते थे, बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़े घर, और वहां जो मैंने प्रॉपर्टी में स्टे भी करा वो भी मैंने शेयर करी है, बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे वहां पे प्रॉपर्टी मिल गई थी, हॉस्टल में स्टे करा था, वो मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, और वहां भी घूमने की बहुत सारी जगह है यार, सच बता रहा हूं नेपाल घूमने बहुत मजा आया। क्या पोखरा मुझे सिर्फ तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी झील थी, झील के अंदर एक मंदिर था, मंदिर का नाम मैं भूल गया, पर यार सच में आप ब्लॉग में चेक कर लेना। उसके अलावा वहां पे पहाड़ बने हुए थे, पहाड़ों के ऊपर स्तूपा, गांव, यानी नेक्स्ट लेवल की ब्यूटी है, आप जाओ तो पोखरा सच बता रहा हूं आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और मैंने बहुत सारे इंडियंस को भी देखा जो अपनी व्हीकल गाड़ी लेके नेपाल तक जाते हैं, आप चाहो तो वो भी आप जा सकते हो। तो बाइक और कार का अलग अलग रेंट है, डे वाइज रेंट है, आपको डेली का पे करना पड़ेगा और एक स्लिप बनवानी पड़ेगी, वो आप बॉर्डर एरिया से बनते हो, जाते मैंने वो देखा है रिक्जॉल साइड से लोग एंट्री नहीं करते, उसके लिए गोरखपुर साइड से एंट्री करते हैं, बहुत सारे इंडियंस एक्सप्लोर करने के लिए अपना व्हीकल लेके जाते हैं। तो मैंने बहुत इंजॉय करा, बहुत मजा आया, मेरा ये टोटल ट्रिप जो रहा लगभग 9 से 10 दिन का रहा, 4 से 5 रातें मैंने काठमांडू के अंदर बिताई और 4 से 5 रातें मैंने पोखरा के अंदर बिताई, और एक नाइट मैंने बिताई आपकी जाते हुए बंदीपुर के अंदर, जो मैं विलेज की बात कर रहा हूँ। जगह तो और भी बहुत सारी है, शायद अगली बार के लिए रह गई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, फॉरनर्स बहुत सारे आते हैं, वहाँ पे एक फेमस गोरखा विलेज है वो जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत दिक्कत थी। तो मैंने ये प्लान करा भैया दोबारा जाएंगे और इस बार अपने व्हीकल पर जाएंगे। तो ऑल ओवर अगर एवरेज बात की जाए एक दिन के मेरे रहने खाने की, मैं सोलो एक बंदे की बात करूं तो मेरा 200 से 250 रुपये रहने की कॉस्ट थी, और ऑन एन एवरेज मैं 2 टाइम का जो मील कॉस्ट थी, क्योंकि बीच के टाइम पर जब दिन के वक्त आप निकलते हो ना चटर पटर खा लेते हो, तो ऑन एन एवरेज मेरे एक दिन की जो खाने की कॉस्ट थी लगभग 300 रुपये की, मतलब 200 रहना और 300 का खाना। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात की जाए तो मैंने वहां पर बहुत ज्यादा इन ड्राइव एक बाइक ऐप होती है, मैंने उसको यूज करा, तो ऑल ओवर मेरी 600 से 700 रुपये की एक दिन की कॉस्ट थी। ऑल ओवर में 10 दिन की कॉस्ट की बात की जाए तो मेरा लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये की कॉस्ट थी, जो कि मेरा वहाँ रहने खाने और घूमने की थी। 1000 रुपये फालतू लेके चलता हूँ, शायद मैंने कुछ एक्स्ट्रा खर्च दिया हो, लगभग 8-1000 रुपये की कॉस्टिंग थी ऑल ओवर। उसके अलावा जो दिल्ली से मैं पहुँचा हूँ काठमांडू तक,
ट्रेन टिकट और वापसी आया हूँ वो। ऑल ओवर मेरे खर्चे की बात की तो मेरा पूरा जो ट्रिप था मेरा लगभग 11 से 12 दिन का पूरा खर्चा मेरा लगभग 13 से 14 हजार में निपट गया, क्योंकि मेरे जाने में कॉस्टिंग महंगी पड़ी, ट्रेन थर्ड एसी करके गया था, आने में मैंने बस करी थी, उसके अलावा जो इंटरनल जो बस रूट है वो महंगे हैं। आप चाहे पोखरा से काठमांडू जा रहे हो, काठमांडू से पोखरा जा रहे हो, या पोखरा से नीचे सुनौली बॉर्डर तक आ रहे हो, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो ऑल ओवर जो मेरी कॉस्ट थी लगभग 13 से 14 हजार रुपए मेरा नेपाल का ट्रिप रहा लगभग 10 दिन का। तो ऑल ओवर ये मेरा ट्रैवल था, ये मेरा एक्सपीरियंस था। खाना महंगा नहीं है, रहना महंगा नहीं है, लोकल घूमना ट्रांसपोर्टेशन वो जरूर महंगा है, लोग बहुत अच्छे हैं, घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, आप बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर पाओगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था। बात करनी है तो भैया मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट जाकर भैया लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। भैया बेल आइकन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूं और आपको वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि बहुत जल्द हम नया ट्रैवल करने वाले इंटरनेशनल, जहां पे मजा आने वाला है और ऑलमोस्ट हो सकता है कि मैं आपको वहां की रेगुलर लाइफ दिखाऊं, और अगर आप वहां कैसे जा सकते हो, कैसे रह सकते हो, कैसे घूम सकते हो, वो सब चीजें आपको साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द नए ट्रैवल में। बाय 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 बाय।